प्रशासन और सरकार लगता है बहुत डरी हुई है। मुझे रात को ही एक चिट्ठी आ गई सिटी मजिस्ट्रेट के, उसके बारे में वहाँ का कोतवाल भेजा कि आपको अनुमति नहीं दी गई है। दूसरा चिट्ठी फिर डीएम की तरफ से आ गई। तो ये रोकने का मैं अपराय नहीं समझ पाया, क्यों इतना डरे हुए हैं, हम जाते तो कौन मर जाता। उनका ये कहना कि आप आएंगे तो यहाँ की स्थिति बिगड़ सकती है। तो ये जो घटनाएं हैं इसको तो मैंने देखना चाहता था, जानना चाहता था, उसकी सत्यता मैं जनता के बीच में उजागर करना चाहता था। मुझे ही तो छोड़िए, मेरे कार्यकर्ताओं को भी उन गाँव में जहाँ ये घटनाएं हुई हैं, चाहे वो ब्राह्मण का लड़का मारा गया है वहाँ, चाहे वो जिनके गरीबों के घर फूके गए हैं वहाँ, किसी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को भी नहीं जाने दे रहे। इतनी रोक लगा रखी है, अब मैं नहीं समझता क्यों रोक लगा रखी है। और जहाँ तक इन घटनाओं के बारे में जो मैंने अखबार में पढ़ा है, लोगों से बात हुई है बहराइच के, उन लोगों का कहना था पुलिस प्रशासन ही नहीं, पूरी प्रशासन की लापरवाही का यह परिणाम है। अगर प्रशासन सतर्क रहा होता तो ये सारी घटनाएं रोकी जा सकती थी। इन्होंने उसको रोकने का कोई पहले से प्लान नहीं बनाया था। अब क्यों नहीं बनाया था ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब बाद में जो पकड़ के इनकाउंटर हो रहा है, नोटिस दी जा रही है घर गिराने की, ये तो हमको लगता है इससे डरे हुए हैं उस घटना पर का पटाक्ष फेंच करने के नाते इस तरह की कार्रवाई करने की प्रक्रिया डीएम ने चालू की है। क्या लगता है कि आप नेता विरोध नोटिस दिए जा रहे हैं? हाँ। वहाँ लोगों का कहना यह है कि इनका जो कार्रवाई हो रही है वो निष्पक्ष नहीं हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। देखिए, अब मैं वहाँ जाता तो मैं जान के बताता कि एक निष्पक्ष है कि एक तरफा है। आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष नहीं हो, तो मैं भी कह रहा हूँ कि उनसे प्रशासन को निष्पक्ष होकर जाँच करानी चाहिए और जो दोषी है उनको कठिन से कठोर दंड दिलाने की प्रक्रिया अपनाई चाहिए। लेकिन हमारे लोगों ने वहाँ एक ज्ञापन दिया था, उसमें उन लोगों ने न्यायिक जांच की भी मांग की है, न्यायिक जांच कराई जाए जिससे घटना का निष्पक्ष जांच हो सके। इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए अब मैं जब जाता वहाँ देखता, हम तो गए नहीं हैं, तो जाते तो देखते क्या बात हुई क्या नहीं, वो जाने से रोक दिया। इसके माने कुछ तथ्यों को ये छिपा रहे हैं और ये निष्पक्ष या सही ढंग से जांच नहीं कराना चाहते हैं। प्रशासन और पुलिस का कहना यह है कि हमने सभी आरोपियों को पकड़ा, कहीं पे भी कोई गलत कार्रवाई नहीं हुई है, और जो भी लोग इस पे आरोप लगा रहे हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें नहीं, कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। जब ये जानते थे कि वहाँ पहले से एक एक घर, हमें बताया गया अभी टेलीफोन पर कि वहाँ पहले से ही हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं वहाँ के, ये बता रहे हैं पहले से ही जब ये जुलूस निकलता था तो हर घर के सामने पुलिस खड़ी रहती थी, अब की क्यों नहीं व्यवस्था की गई पुलिस की, क्या कारण था? तो अभी आपको जैसे जाने नहीं दिया गया, तो आगे की क्या कार्रवाई करेंगे क्या? अब देखिए, आज हम रुक गए हैं एक बार उनके इस आदेश को मानकर। मैं नहीं चाहता कि इस बीच में ये कुछ उधम बचा दें और मेरे ऊपर रख दें कि इनके आने के नाते ये हो गया, क्योंकि ये बड़े सुनियोजित ढंग से ये सब घटनाएं चल रही हैं। तो मैं इसीलिए आज मैं नहीं गया हूँ, दो तीन दिन बाद मैं जाऊँगा और जितने पीड़ित लोग हैं उनसे भी मिलूँगा, जो कार्रवाई उनसे मिलूँगा। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो इन्होंने नोटिस दी है घर गिनाने की, उसमें कुछ लोगों ने कहा है कि इसमें सही ढंग से नहीं है, पक्षपातपूर्ण ढंग से है। तो वो नोटिस जो दिया, तीन दिन का समय दिया, तीन दिन में जब गांव में सब कोई है ही नहीं है, सब घर छोड़ के भागे हुए हैं, तो तीन दिन में इनको कौन जवाब देगा? इसको पर्याप्त समय देना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए, अपनी बात रखें, तो इसके बाद जो करना हो करें।